मी आज लोकमान्य टिळक यांच्याबद्दल माहिती देणार आहे. लोकमान्य टिळक यांच्या पदग्रह राजकीय कारकिर्दीत ते ब्रिटिश राजवटीपासून भारतीय स्वतंत्रता व स्वायत्ततेसाठी लढा दिली. महात्मा गांधी यांच्या आधी ते सर्वात प्रसिद्ध भारतीय नेते होते. यांच्या समकालीन सहकारी गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या विपरीत टिळक हे प्रखर राष्ट्रवादी परंतु सामाजिक परंपरावादी मानले जात होते. थैंक यू. सुप्रभात, मेरा नाम राजनंदिनी भोड़के है. आज मैं लोकमान्य टिळक के बारे में जानकारी देने वाली हूँ. लोकमान्य टिळक का मूल नाम केशव गंगाधर टिळक था. उनका जन्म रत्नागिरी जिला के एक गांव में हुआ था. वो एक भारतीय स्वतंत्र सैनिक, भारतीय राष्ट्रवादी के समय के एक आंदोलन सेवक और समाज सेवक थे. लोकमान्य टिळक को लोकमान्य की पदवी भी हासिल हुई थी. लोकमान्य टिळक ने अपने एक ग्रंथ भी लिखा गया था जिसका नाम था गीता रहस्य. लोकमान्य टिळक एक स्वतंत्र सेवक और समाज सेवक के द्वार पर उन्हें लोगों ने बहुत उन्हें एक हिम्मत भी दिखाई. धन्यवाद. Lokmanya or more commonly known as the Bal Gangadhar Tilak was an important leader of independence movement. He was called the father of Indian unrest and was conferred with the title of Lokmanya, which is accepted by the people. He is the first and strongest advocate of Swaraj. Self-ruler. He is famous for his quote, "Swaraj is my birthright, and I shall have it." Moreover, he had a close alliance with many national congress, including BJP. Thank you. Bhavra Bharat Mrityu. 27 फरवरी 1923 इलाहाबाद. चंद्रशेखर आजाद एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अग्रवादी युवाओं के एक दल को संगठित और नेतृत्व किया था. आजाद छोटी उम्र में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे. धन्यवाद.